सोलन में मां की ममता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जिसमें कोटला नाला में स्थित शिव मंदिर की सीढ़ियों में एक नवजात शिशु को कोई छोड़कर चली गई। सुबह जब लोग मंदिर में माथा टेकने आए तो उन्होंने मंदिर की सीढ़ियों में बच्चे को तौलिये में लिपटे हुए देखा और इसकी सूचना मंदिर के पुजारी व पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बच्चे को रेस्क्यू किया और उसे सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया। वहीं पुलिस बच्चे के परिजनों की तलाश में जुटी है। देखो जी, ये शिव मंदिर कोटला नाला है और मैं काफ़ी वर्षों से 25 सालों से यहाँ पर रह रहा हूँ और आज हमने देखा है कि सुबह जो है जब मैं मंदिर के लिए आया है तो मेरे किसी साथी ने मेरे को आसपास के लोगों ने फ़ोन किया कि पंडित जी मंदिर में कोई एक बच्चा कोई छोड़ गया है। तो हमने आके उसकी सूचना पुलिस को दी है। पुलिस अधिकारी लोग यहाँ पर पहुँचे, आसपास के लोग यहाँ पर पहुँचे और बच्चा यहाँ इन सीढ़ियों में रखा हुआ था। अब आज लगता तो ऐसा है कि ये बच्चा जो है आज रात को पैदा हुआ, क्योंकि एक ही दिन का लग रहा था। जो यहाँ पर महिलाएं बता रही थी कि आज रात को ही ऐसा लग रहा कि बच्चा आज को ही पैदा हुआ है, तो काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो बच्चे को यहाँ से पुलिस अधिकारी हॉस्पिटल ले गई है और ये लड़का था जी। और ये पता चला कि किसका है, किसका नहीं, ये अभी कोई मालूम नहीं चला है किसने छोड़ा, क्या छोड़ा है, कोई रात को छोड़ गया, कोई पता नहीं लगा जी। उज्जवल हिमाचल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन।